अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स 100% और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालॉग मीटर के बारे में। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे टॉप पे है एनालॉग डिस्प्ले। ये सर्कल में इसके पेरीमीटर्स हैं। ये है इसका सिलेक्टर नॉब, ये इसका फेज या पॉजिटिव की लाइन है, ये नेगेटिव या न्यूट्रल का पॉइंट है और ये पॉइंट हम करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले करंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। करंट को हमेशा सीरीज़ में चेक किया जाता है। एनालॉग मीटर के ऊपर हम 100 माइक्रो एम्पेयर से 0.25 एम्पेयर तक की रीडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट 0.5 से लेके 1000 तक डीसी वोल्ट का पोर्शन आता है और वोल्टेज को हम हमेशा पैरेलल में चेक करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन एसी वोल्टेज का है जिसमें हम 10 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक रीडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन कंटिन्यूटी का है जो कि अकेला सब पे भारी है। इसकी मदद से हम दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टिविटी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे आखिर में रेजिस्टेंस का पोर्शन है जिसमें हम 1 ओम से लेकर 10 किलो ओम मतलब 10,000 ओम तक के दरमियान रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ एनालॉग मीटर ओल्ड है, लेकिन आप ये भी तो समझें, ओल्ड इज़ गोल्ड। गुड बाय।